नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की 6 एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ, जिसके अंदर अब तक तो आपने समांतर श्रेणी का अध्ययन किया था, अब मैं आपको त्रिकोणमिति के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ, जो आपके कोर्स के अंदर 6 एक्सरसाइज आपको दी गई है। इसके अंदर आपका ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये आपकी सारी जितनी भी निष्पत्ति कहलाती है सब न्यून कोण होते हैं, न्यून कोण निष्पत्ति है। इसके अंदर तीन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, ये जितने भी होगी इसके अंदर एक राइट एंगल होगा पी क्यू आर, इसमें जो भी है अपने अंदर तीनों चीजों का ज्ञान होना चाहिए, ये आपका न्यून कोण कहलाता है, ये भी आपका न्यून कोण कहलाएगा, ये आपका राइट ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का कोण है, इसे हम आधार यानी कि बेस बोलते हैं, ये आपका कर्ण, इसे हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, ये आपका लंब, इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसका एक प्रोसीजर है कि लाल अपॉन के अग्रवाल, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, के फॉर कर्ण और ए फॉर आधार, यानी कि लाल अपॉन के अग्रवाल। एल से बनता है त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर में सबसे पहले जो निष्पत्ति काम में लेते हैं, इसकी 6 निष्पत्ति होती है, 6 निष्पत्ति होती है। सबसे पहले निष्पत्ति होती है साइन, दूसरी कोस, तीसरी टैन, चौथी कॉट, पांचवी कोसेक, सेक, छठी कोसेक, ये 6 निष्पत्तियां होती है। इनके कैसे कैसे मान बनते हैं, सूत्र कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको आज बताऊंगा। सबसे पहले मैं साइन थीटा लेके चलता हूं, सब मान लीजिएगा ये न्यून कोण आपकी थीटा निष्पत्ति है, कौन सी निष्पत्ति है, थीटा निष्पत्ति है, इसे आप मान सकते हो। तो जैसे मैंने साइन थीटा लिया, तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, एन बटे के। एल क्या है आपके पास, लंब है पी क्यू, बटे हुआ पी आर, कोस थीटा बराबर है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है आपके क्यू आर, कर्ण क्या है आपके पास पी आर, इसे आप फर्स्ट मान सकते हो, इसे आप सेकंड मान सकते हो। अगर इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दिया जाए एक व दो का वर्ग करके जोड़ने पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा बराबर है एल स्क्वायर बटे के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे के स्क्वायर, कहने का मीन्स पी क्यू स्क्वायर बटे पी आर स्क्वायर,
प्लस क्यू आर स्क्वायर बटे हुआ पी आर स्क्वायर, इनका एलसीएम लीजिएगा, पी आर स्क्वायर आपका एलसीएम आ गया, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर पाइथागोरस त्रिमेसी, पाइथागोरस त्रिमेसी। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है, ये आपकी पाइथागोरस त्रिमेय है। तो इसलिए पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर है पी आर स्क्वायर, इसका मान इसमें रख दीजिएगा, पी आर स्क्वायर बटे हुआ पी आर स्क्वायर बराबर एक, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा इज वन, ये आपकी स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया आपका व्यापक सूत्र। वन टू थ्री, दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा का भाग देने पर, दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा का भाग देने पर, साइन स्क्वायर थीटा बटे हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा बटे हुआ साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक बटे साइन स्क्वायर थीटा। इससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं, साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा, कोस थीटा इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसका अपोजिट उल्टा कीजिएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन कोस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आपके सामने आता है वन अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा का मान वन होता है, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉट स्क्वायर थीटा के, इनका मान रखिएगा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपका सेकंड व्यापक सूत्र। फर्स्ट व्यापक सूत्र, ये आपका फोर नंबर। इसके बाद नेक्स्ट, दोनों तरफ समीकरण तीन में, समीकरण तीन में दोनों तरफ कोज स्क्वायर थीटा का भाग देने पर, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोज स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा अपॉन कोज स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन अपॉन कोज स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा बटे कोज स्क्वायर थीटा यानी कि साइन थीटा बटे कोज थीटा किसके इक्वल है, टेन थीटा के, टेन थीटा प्लस वन इक्वल टू वन अपॉन कोसेक कोस थीटा किसके इक्वल है, सेक थीटा के,
यानी कि सेट स्क्वायर थीटा, ये आपका तीसरा व्यापक सूत्र है फॉर, और ये आपका फील। इस प्रकार के सूत्र यूज करके आप छठी एक्सरसाइज के जितने भी सवाल है इनको सोल्व कर सकते हो।